उनको जानकारी देना है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा चीज कहा कि हम लोगों का सही विभाग था, इसमें कहीं कानून हम लोगों ने ही बनाया, आपने नहीं बनाया, कानून हम लोगों ने ही बनाया कि रजिस्ट्री होगा और ऑटोमेटिक यह सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये आपने कानून नहीं बनाया, ये आपकी सरकार ने नहीं बनाया, ये एनडीए की सरकार ने ही बनाया। दूसरी बात मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, दूसरी बात इन्होंने कहा कि 4000 लोगों की बहाली, ये भी आपने नहीं किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, चुनौती ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चुनौती है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना आपके समय, और जो कानून बनेगा वो अब बनेगा, और हम लोग बहुत मजबूती के साथ। चलिए, वैसे भी अल्पसूचित प्रश्नों का तारांकित तो बहुत अतिक्रमण हो चुका है, तारांकित प्रश्न ले लिए जाएंगे। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवील किशोर यादव, इसमें जवाब आए हैं महोदय, ये जवाब में अंतिम खंड में महोदय था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सामान्य जाति के अत्यंत गरीब एवं निर्धन परिवारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है। महोदय, ये जो गरीबों के मकान बनने का जो सवाल है, फर्स्ट खंड में है महोदय, क्या सही है कि राज्य सरकार गृह विहीन पिछड़ों और दलितों को 73 करोड़ की राशि का खर्च कर जमीन खरीद कर बसाना चाहती है? दूसरे खंड में महोदय, क्या यह सही है कि गृह विहीन अनुसूचित जाति परिवारों के लिए रहती जमीन खरीदने के लिए 66 करोड़ पिछड़ा वर्ग वासहीन परिवारों के गृह स्थल के लिए 3 करोड़, TSP योजना के तहत गृह विहीनों के लिए वास भूमि पर 4 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है? और अंतिम खंड में महोदय था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार सामान्य जाति के अत्यंत गरीब निर्धन परिवारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है। महोदय, ये 2 खंडों के उत्तर में सरकार ने कहा है कि प्रावधान किए गए हैं 2022-23 के बजट में। इस पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर अग्रतर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, अंतिम खंड में लिखा है कि संप्रति इस संबंध में विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है, जो अंतिम खंड का महोदय, तो अब प्रस्ताव और कैसन जाता है जब हम लोग यहाँ आप बैठे हुए हैं महोदय, हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट आप ही हैं, हम लोग यहाँ वकालत कर ही रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का सदन है, तो और कैसा प्रस्ताव सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि अंतिम खंड में जो आपने जो हमने दिया है उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसको प्रस्ताव में जोड़कर इस पर सरकार विचार करना चाहती है, हाँ तो बताए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह बिल्कुल वेलफेयर, यानी कि भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है और उसके अनुरूप बनाई गई योजना के संबंध में है, और ख़ास तौर से बिहार जहां वेलफेयर कंसिडरेशन टॉप प्रायोरिटी पर है, और इसमें समाज के छूटे हुए लोगों को उसका सरकारी माध्यम से उन्हें वेलफेयर उन्हें जो कुछ जमीन की उपलब्धि कराने की बात है, उसमें जो वास रहित भूमिहीन है उसके संदर्भ में सबसे पहले सरकार ने यह निर्धारित किया है कि इस वर्ष के अंत तक एक भी वास रहित भूमिहीन राज्य में नहीं बचेंगे, और उसमें जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको दिया जाएगा 3 से लेकर 5 डिसमिल जमीन, और उसमें ऑपरेशन बसेरा के तहत कॉलोनी बनाकर रोड और बिजली की व्व्यवस्था करके और उसमें 3 से 5 डिसमिल जमीन उन्हें मुहैया कराया जाएगा ताकि वो अपना घर बना सके। लेकिन उसके अलावे जो अन्य तरह की चीज़ें हैं, जैसे बहुत जगह पहले बास्किट पर्चा बांट दिया गया, अब उसके बाद उनको दखल नहीं मिल सका, उन सारी चीज़ों को बारी बारी से कंसिडर किया जा रहा है, और सबके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था सरकार करेगी समय चरणबद्ध तरीके से, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं भी कोताही नहीं होगी। बल्कि अंतिम प्रश्न जो माननीय सदस्य का है तो यह बिल्कुल नीतिगत प्रश्न है,
और यह नीतिगत प्रश्न आपने अभी सदन में प्रस्ताव रखा है, हम मैंने इतना जरूर आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार में आपके इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। चलिए, माननीय सदस्य डॉक्टर आगे कह सकता है। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से सरकार के जो